हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम आपको बताने वाले हैं इस ड्रेस के साथ के सॉक्स। तो देखो ये हमने ड्रेस 203 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई थी, तो हम सॉक्स भी 203 नंबर लड्डू गोपाल जी के ही बनाएंगे। तो देखो हमने ये पोंचो बनाया है और कैप बनाया है, देखो इसके साथ का पगड़ी वाला, और एक हमने ये सॉक्स भी बना लिया है। तो हम दूसरा सॉक्स आपको बना के बताएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखो हम दूसरा सॉक्स बना कर बताते हैं आपको, बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है बनाने में और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो देखो ये हम टोटल 4 सिलाई इसकी बना लेते हैं। देखो येल्लो की तो ये हम गांठ वाली बनाएंगे और हमने इसमें 6 फंदे डाले हैं, तो इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। तो देखो पहले हम ये दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा, देखो ये हमारी उल्टी सिलाई है तो इसको हम उल्टा उल्टा दोनों तरफ से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हम पूरा पेयर बनाएंगे। तो देखो ये हमारी 2 सिलाई बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें रेड वाला ये धागा जोड़ेंगे, देखो उल्टे तरफ से ऐसे करके, देखो ऐसे। इस करके हम ये उल्टी तरफ से रेड वाले धागे को जोड़ लिया है, देखो ऐसे। तो अब ये हमारे 6 फंदे हैं तो इनको देखो हम 3 भागों में बांटेंगे, उल्टा उल्टा ही बनाना है इसको दोनों तरफ से। तो 2 फंदे हमारे ये हो गए और 3, 4, 2 हमने इधर छोड़ दिए तो इधर छोड़ देंगे, बीच में 2 फंदे इनको बनाएंगे। तो देखो सिलाई को पलट लेते हैं और धागे को भी ऐसे, देखो वापस यहीं से हम 2 फंदों को छोड़ देंगे और 1, 2 2 फंदे हमने बीच में देखो बुन लिए हैं, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर। तो धागा पलटते हैं और सिलाई को भी ऐसे करके, देखो हम ये बनाते हैं, इसमें बार बार सिलाई को पलट लेंगे और इन हम 2 फंदों को ही बनाएंगे। तो 4 सिलाई बना लेते हैं हम इसकी, देखो ऐसे गांठ वाली 2 फंदों को ही बार बार हम ऐसे, देखो हमारे 3 बार बन चुके हैं तो टोटल 8 सिलाई बनाएंगे। देखो ऐसे, देखो ये हमारी 4 सिलाई हो चुकी हैं। तो अब हम धागा ऐसे करेंगे, देखो तो 3 फंदे उठा लेते हैं, देखो ऐसे 1, 2 और 1, 3। देखो अब इन 2 फंदों को बुन देंगे साथ में, ऐसे तो देखो उल्टी तरफ से हम इसको बनाएंगे। हम बना लिए एक साइड के फंदे, देखो और फिर हम इधर से भी उठाएंगे, देखो 3 फंदे। ये ध्यान रखना है फंदे सीधी तरफ ही होने चाहिए, देखो उल्टा उल्टा एक साइड होना चाहिए। यहाँ से हम ऐसे करके उठाएंगे, देखो आप चाहो तो दूसरी सिलाई से भी ऐसे करके ऐसे, देखो ऐसे हम
कैसे हम तीन दो फंदे उठा लेते हैं। देखो अब हम दो ये फंदे इनको भी बुन लेते हैं साथ में ऐसे। देखो तो अब हम टोटल चार सिलाई इसकी देखो ऐसे रेड की बनाएंगे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी ही, दो उल्टे तरफ से और दो सीधे तरफ से ऐसे करके। हमने सारे फंदे एक बार में ही बनाने हैं देखो ऐसे। देखो दो चार छः आठ दस बारह फंदे हो चुके हैं तो ये टोटल हम चार सिलाई बना लेते हैं। देखो ये हमारी टोटल एक दो दो इधर से चार सिलाई बन चुकी हैं। तो अब हम इनको तो एक दो तीन चार पाँच छः दो चार छः इधर हैं और देखो छः इधर हैं तो इनको हम ऐसे उल्टे को बाहर करेंगे देखो और अंदर की साइड सीधा है। हमने मोड़ लिया है सिलाई को तो देखो आधे आधे फंदे करके हम दोनों सिलाइयों में से एक फंदा लेके ऐसे बुना फिर एक इसमें डाला फंदा दो को एक करा इसको इसको ऐसे स्लिप करा इसके ऊपर से देखो ऐसे करके हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। तो देखो ये सारे फंदे बंद हो चुके हैं तो इसको यहाँ से देखो ऐसे सिलाई कर लेते हैं ऐसे करके देखो किनारे से किनारा मिला के ऐसे देखो ये हमने सिल दिया है। अब इसको हम सिलाई की मदद से सीधा कर लेते हैं। अगर वैसे सीधा हो जाए बिना सिलाई से तो इसको हम ऐसे भी सीधा कर लेते हैं और देखो इन सभी धागों को काट देंगे। तो देखो हमारे दोनों सॉक्स बनके रेडी हो गए हैं। देखो बहुत ही आसान है बहुत ही इजी बनाने में। तो ये हमारा पूरा पेयर बन गया। देखो ये कैप है ये हमारी ड्रेस है और ये सॉक्स हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।